प्रदेश के प्रयागराज में ट्रेन में लूटपाट की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां ट्रेन में सफर कर रहे एक दर्जन यात्रियों को सांप दिखाकर लूटपाट की गई। जी हां, बिहार के दानापुर से पुणे जा रही दानापुर पुणे एक्सप्रेस की जनरल बोगी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट करने वाले आरोपी शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन से चेन पुलिंग कर फरार हो गए। आइए पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। दरअसल दानापुर पुणे एक्सप्रेस सुबह करीब 5:30 बजे छिकवी स्टेशन पहुंची। 10 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हो गई। लिंक जंक्शन के पास ट्रेन धीमी होने पर जनरल बोगी में 4 युवक चढ़ गए। ट्रेन जैसे ही इरादतगंज से जसरा के बीच पहुंची, उन्होंने सांप दिखाकर यात्रियों से रुपए मांगने शुरू कर दिए। मना करने पर मारपीट करते हुए यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दी। लगभग 1 दर्जन यात्रियों से कैश और सामान छीने गए। यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर दी। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर छिकवी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मामले की जांच पड़ताल की गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर यात्रियों में दहशत का माहौल है।